श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में हो रही हो, लेकिन उसकी खुशी पूरे देश भर में मनाई जा रही है। हाथरस जिले का सिकंदरा राव भी इसमें पीछे नहीं है। रविवार को सिकंदरा राव नगर में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामदूत संकल्प सिद्ध बाइक यात्रा निकाली गई। बाइक रैली में जोश और उत्साह से लबालब सैकड़ों युवा हाथों में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोषों के साथ नगर भ्रमण करते हुए पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। वहीं बाजारों में दुकानदार तथा गली मोहल्लों में महिला पुरुष हाथों में पुष्प लिए यात्रा के स्वागत में पलके बिछाए खड़े हुए थे। जैसे ही यात्रा उनके सामने से गुजरी तो जय श्री राम के उद्घोषों और रामधुन के साथ यात्रा के ऊपर पुष्प बरसाकर राम भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। यह भक्तिमय और मनमोहक माहौल देखते बन रहा था। लोगों के चेहरों पर राम मंदिर निर्माण की खुशी और उत्साह साफ साफ दिख रहा था। यात्रा का शुभारंभ मोहल्ला गौसगंज स्थित गौरी शंकर हिंदू इंटर कॉलेज के गौरी शंकर मंदिर से होकर नगर भ्रमण करते हुए रेलवे रोड पर मौजूद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पर जाकर यात्रा का समापन हुआ। यहां पहुंचकर सभी राम भक्तों को प्रसाद वितरित भी किया गया। इसी के साथ राम भक्तों ने यहां खुशी और उत्साह में झूमते गाते हुए राम नाम के जमकर जयघोष लगाई और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों के विषय में जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद मीडिया नेटवर्क। सौभाग्य का विषय हम पूरे सनातनियों के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनके कंप्लीट हो रहा है और उसी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म के जितने भी नौजवान बुजुर्ग हैं उन सब के लिए टोटल यहाँ यात्रा अपने साइकिल बाइक यात्रा निकाली है। उसी के उपलक्ष्य में ये साइकिल वाहन यात्रा थी, एक खुशी का इजहार करने के लिए, खुशी मनाने के लिए ये पूरी यात्रा निकाली है। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम जो समाज के लोग हैं जगह जगह मंदिरों पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, कहीं रामायण, कहीं भंडारे और आम समाज के जो लोग हैं अपने घर पर 11, 21, 101 अपने दीपक जलाएंगे और रात्रि को अपने दीपावली जैसा माहौल अपने कहीं फूल सज्जा से सजाने का काम मंदिरों में और घरों पर ऐसा करने का उन्होंने अपने मन में तय किया। अयोध्या की जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हम सभी को बहुत बड़ा गर्व है और हर्ष का विषय है। कल हम लोग अपने अपने घर पर रामलीला बनाने जा रहे हैं और दीपावली मनाएंगे और दीपक जलाएंगे, मिष्ठान भी वितरित होगा, जगह जगह भंडारे भी होंगे। कैसे स्वागत करोगे राम का? राम का भव्य स्वागत करेंगे। अच्छा, दिवाली बन रही है, दिवाली मनाएंगे, भव्य स्वागत होगा। जय श्री राम। भगवान श्री राम की जो 22 तारीख को मंदिर बनना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के उपलक्ष्य में ये बाइक यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, जो 500 वर्ष बाद हमारा मंदिर बनने जा रहा है, कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के उपलक्ष्य में ये बाइक रैली नगर पूरे नगर में निकाली गई, पूरे नगर के सहयोग से निकाली गई है। पूरे नगर को हम सब चाहते हैं कि सब जागरूक हों और घर घर में दीप जलाएं, पूरे एक दीपोत्सव मने। कल की क्या तैयारियां हैं? कल की पूरे नगर में खूब धूमधाम से तैयारियां हो चुकी हैं, हर घर में दीपक जलाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर घर ये पता चले कि राम मंदिर का निर्माण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए घर घर दीप जलाए, पास दीपक अधिकतम जलाए जाने चाहिए और घर घर दिवाली मनानी चाहिए और घर घर पटाखे जलाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दीपावली मनाते हैं ना, उसी तरह से अपने घर 22 जनवरी को भी हर साल दीपावली मनाए, ये इसलिए निकला। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है, बहुत माहौल है। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है आपकी? घर घर दिवाली बनेगी, पूजन होंगे। अच्छा, मतलब मिठाई बांटी जाएंगी, भंडारे भी होंगे। अच्छा,
है।